अरे इतना खूबसूरत मंजर है, हमारा साथ है। कसम से अगर मैं शायर होता कभी पूरी गजल लिख जाता। मैं और मिनहल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिनहल ने अपनी खुशी से शादी नहीं की है। वो तुमसे नफरत करती है और तुम्हें भूल चुकी है। कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में हैदर है, लेकिन वादा करती हूँ आपसे बहुत जल्द भुला दूंगी। मैं जरूर मिलूंगा उससे, वो जहाँ भी होगी ढूंढ निकालूंगा, जिसके साथ भी होगी छीन लूंगा उससे। वाओ, घूमने जाएंगे आप लोग? मम्मी मैं कैसे, मेरा मतलब मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, इतने अरसे से जॉब कर रहे हो, छुट्टियां तो बनती है तुम्हारी। लेकिन अब्बू, देखो बेटा, ये ट्रिप मेरे और तुम्हारे अब्बू की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, और तोहफे से कभी इनकार नहीं करते। भाई थैंक यू कहें और जाने की तैयारी करें। मेरा तो ख्याल है तुम आज रात ही निकल जाओ। नहीं, आज रात तो नहीं हो सकेगा अब्बू। तो फिर कल चले जाना। हाँ, तब तक तुम सारी तैयारियां कर लो, टिकट्स अरेंजमेंट्स में तो टाइम लगेगा, कल सुबह निकल जाना। भाई मेरे लिए मरी से झूली लाना मत भूलिएगा। दानिया जरूर लाऊंगा। कैसे हो दुला मियां? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, और कल हनीमून पे जाने का प्लान भी है। ओहो क्या बात है भाई। अच्छा सुनो, फटाफट मेरी और अपनी भाभी की इस्लामाबाद की टिकट्स करवा दो। जो हुक्म जनाब, बस मैं ऑफिस फोन करके टिकट्स कंफर्म करवा देता हूँ। क्या बात है, अभी तक ऑफिस नहीं गए? नहीं यार, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। ओ, अब कैसा है वो? बस यार होश नहीं आ रहा उसे, दुआ करो कि होश आ जाए। उसके साथ ही था हॉस्पिटल में, अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करके मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, तुम कहो तो मैं पैसे लेके खुद आ जाऊँ। अरे ले लूंगा पैसे, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो, फिर बात करते। अल्लाह हाफिज़। आंटी बस इसमें से छोटी मोटी चीजें ही चाहिए थी मुझे। मेरी जान मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक मशवरा है, तुम अपनी ये गोल्ड की ज्वेलरी मत लेकर जाओ साथ। पता है तुम लोग घूमने जा रहे हो, वहां पर तरह तरह के लोग होंगे, किसी ने ये देख लिया और नियत बदल गई और इसके पीछे कोई हंगामा हो गया तो। मेरी जान तुम्हें नहीं पता, बाहर बहुत बुरे हालात हैं, लोग एक मोबाइल के पीछे गोली मार देते और फिर जेवर देखकर तो किसी भी वैशी की राल टपकना शुरू हो जाती है। जी ठीक है, फिर मैं नहीं लेकर जाती, आप ठीक है। अकलमंदी इसी में। दानिया जाकर भाभी के साथ उनकी पैकिंग में मदद करवा। जी अम्मी, भाभी मुझे दे दें और आज हम आपकी पैकिंग करते हैं। चलो किस तरह से बात कर रही थी उसके सामने? तो क्या करूं, झुक जाऊं, जी हुजूरी करने लग जाऊं, खुशामदे करूं कि आप अमीर हैं? बस कर जाओ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, मैं बता रही हूं तुम्हें। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, मैं किसी के लिए खुद को बदल नहीं सकती। और अभी ज्वेलरी बॉक्स खोल के दिखाएं। सब्र कर लो। नहीं मुझसे नहीं हो रहा, रात में भी आपने यही कहा था। अच्छा जाके दरवाजे पर लॉक तो लगाओ मेरी माँ। शादी पर आपने मिनल को पसंद किया था ना, उस शादी पर जो उसने ब्रेसलेट पहना था ना, वो मैं लूंगी। पागल तो नहीं होगी तुम? तुम्हारे हाथ में उसने पहना देख लिया ना तो? नहीं नहीं अम्मी, मैं एहतियात करूंगी, आप बेफिक्र। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें आज मेरे साथ मिनल के घर जाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं डब्बा नहीं खोलती। अच्छा ठीक है चलूंगी, ये देना मुझे, दे। सलील कराएगी किसी दिन, ये लड़की नाक कटवाएगी मेरी। इतनी मुश्किल से सारा गेम सेट किया। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा, कैसा है वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा? देखिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता। ओके बाबा। एक मिनट बेटा, ये मेरा कार्ड रख लो। अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी खुशी है बेटा। भाई साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे। अल्लाह का दिया अब भी बहुत कुछ है हमारे पास। इंशाल्लाह और बरकत दे आपको। मेरी रिक्वेस्ट पे रख लेने दीजिए मिनल को। जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं। नहीं नहीं मिनल, तुम खूब सारी शॉपिंग करना। पिन कोड तो याद है ना तुम्हें? 4321। याद है वली। कुछ लेना है तो बाजार चले। नहीं, एक शॉल है मेरे पास, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो वहां जाकर देख लेंगे। अगर आपको कुछ लेना है तो जा सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वहां जाके देख लेंगे। आप मुझे क्या दिखा रही थी वहां पर? तुम हमाद से शादी नहीं करना चाहती ना? इसका भाई देखा है, करोड़ों का लड़का है। अच्छा, तो आप इसलिए मुझे वहां लेकर गई थी? बनती तो तुम बहुत अकलमंद हो, मगर रहोगी बेवकूफ की बेवकूफी। नहीं नहीं मिनल, तुम खूब सारी शॉपिंग करना। और पिन कोड तो याद है ना तुम्हें? 4321। अम्मी किचन में काम कर रही हैं, जाकर हेल्प करा दो उनकी। हफ्सा, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, और अगर अम्मी पे इतना ही रहम आ रहा है तो जाके खुद हेल्प कर दो उनकी। हाँ, करा दूंगी। नताइज आपके सामने आ। अल्लाह की तो कभी मदद नहीं। तुम ये बताओ, ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया तुमने? खरीदा है मैंने बाजार से। गोल्ड का है? नहीं, आर्टिफिशियल है। झूठ बोल रही हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? ये ब्रेसलेट भाभी का है और तुमने इनके ज्वेलरी बॉक्स में से निकाला है ना? जी नहीं, मुझे अम्मी ने दिया, मैंने उन्हीं की इजाजत से पहना है। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। अभी अम्मी को बुलाकर पूछती हूँ। अम्मी, ये भाभी का ब्रेसलेट इसके पास कहाँ से आया? मैं बता रही हूँ ना, अम्मी ने खुद दिया है। अम्मी, आप कैसे किसी की अमानत रखी चीज किसी दूसरे को दे सकती हैं? हमेशा के लिए नहीं दिया, थोड़ी देर पहनकर अपना शौक पूरा कर लेगी। थोड़ी देर के लिए नहीं, ये अब मेरा है और मैं नहीं दूंगी। अम्मी, भाभी को पता चला वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? वो कुछ भी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। अम्मी, आप देख रही हैं ऐसे? बस कर जाओ दानिया, वो बड़ी बहन है तुम्हारी। बड़ी बहन है, इसका ये मतलब नहीं कि भाभी का ब्रेसलेट इसके हाथ में देखकर खामोश हो जाऊं मैं। तुम जितना चाहे बोल लो, ना ही तो मैं ये उतारूंगी और ना किसी को दूंगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आए हमाद भाई, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। नहीं दानिया, मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमाद बेटा, आओ बैठो ना। मेरे ही फोन से उसे बाय फॉरएवर का मैसेज करके ऐप से ब्लॉक कर दिया। मैंने कोई मैसेज नहीं किया उसे। मगर बेटा, तुम्हारा फोन तो बाहर के गुम गया था ना? मेरा फोन सामान में रखा ही नहीं गया था अम्मी। हैदर, क्यों गलत बातें कर रहे हो बेटा? इसे क्या जरूरत है? क्या ये नहीं जानते कि तुम्हें वहां फोन की कितनी जरूरत पड़ेगी? अच्छा, इस बात से भी इनकार कर दें आप लोग?
कि उसे ये नहीं बताया गया कि मैं अमेरिका चला गया हूँ, शादी होने वाली है मेरी, और जब जब माहम से मेरा ताल्लुक था ही नहीं तो फिर क्यों उससे मेरा रिश्ता जोड़ा? क्यों मिनल को झूठ बोला कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं? और अम्मी मैं बार बार आपको वहां जाने के लिए मजबूर करता रहा, मिनल के लिए तड़पता रहा मैं, और आप लोग मिलकर मेरी बर्बादी का सामान कर रहे थे। अम्मी ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने किया था। क्या समझते हैं वो, उनकी मर्जी में बांध के मैं उनकी बहन से शादी कर लूंगा? नहीं, दो टोकल पास तो मना करूंगा उन्हें मैं। खुदा के लिए हैदर, खुदा के लिए ऐसा हरगिज मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बच्ची बाप के साए और शफकत से महरूम हो जाएगी। हैदर, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फैज भी बाप है उसके। फैज बहुत चाहते हैं बाप को, मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया है हैदर। हाँ बेटा, इसकी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अम्मी, मैं सबकी मजबूरियां समझूं, लेकिन मेरी अज़ियत कोई नहीं समझ रहा। और मिनल के बारे में सोचें आप लोग, जिस अज़ियत में आके उसने ये शादी के लिए हाँ की है, अपने दिल पे पत्थर रख के जो फैसला किया है, क्या वो उस लड़के के साथ घर बसा सकेगी, खुश रह सकेगी? नहीं, मिनल मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। उसे भूल जाओ हैदर। नहीं भूल सकता उसे मैं। अरे खुदा के वास्ते बेटा, खुदा के वास्ते इतनी टेंशन मत लो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया। बाहर में गया डॉक्टर। Hey guys, I'm Sambul Iqbal, और सब्सक्राइब करें AY Digital का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।